हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्लस क्लासेस। होप योर स्टडी इज ऑन ए बेस्ट ट्रैक। अच्छा, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एक्सरेगुलर स्टूडेंट्स। एक्चुअली देर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट ऑन हुई सिलेबस द एक्सरेगुलर स्टूडेंट्स विल गिव देयर एग्जाम। ओके, अच्छा एक्सरेगुलर स्टूडेंट को सिलेबस एग्जाम देवे, एटा गोटे बड़ प्रोब्लेम हो नहीं। अच्छा कौन बड़ प्रोब्लेम, मुझे फास्ट क्लीयर करदे। बहुत पिला मतलब बारंबार बारंबार कमेंट कर सर आप कहीं रेगुलर पे अलग क्वेश्चन करते एक्सरेगुलर अलग कर एग्जाम तो गोटे जगार हम गोटे पेपर भी हुए मानुच ये जिनसा हुए सब केते बड़े नॉर्मल एग्जाम हुए नॉर्मल ईयर रे हुए जो वर्ष क्वेश्चन चेंज हुए सिलेबस चेंज हुए ठीक अच्छे ना सिलेबस जत चेंज हुए से वर्ष कौन हुए एक्सरेगुलर पिलांकर ओल्ड सिलेबस रे हुए रेगुलर पिलांकर नुआ सिलेबस रे हुए ठीक अच्छे। अच्छा किंतु ए वर्ष ओब्वियसली सिलेबस चेंज हैनी सिलेबस रिड्यूस हैछि किंतु दीटा पॉइंट ठीक अच्छे गोटे पॉइंट है हाँ ठीक करोना तुम भी होती तो तुम भी एक्सरेगुलर पाई भी सिलेबस रिड्यूस करा जाए पारे मे भी। अच्छा सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हूँ मे भी से पारती जितेबाला से एनरोल होते जो सिलेबस से ऑलरेडी गोटे वर्ष पढ़ी से वर्षर तो सिलेबस रिड्यूस हो नाला तो से 100% ऑलरेडी पढ़ी गोटे वर्ष एक्स्ट्रा मिली तो से रिड्यूस कर किसी दरकार ना तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आसपा। अच्छा ताल तुम्हें मानव कौटा देख फैक्ट हूँ एजाए कौनसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीनी सीएचएससी भी क्लियर करनी जे ए जो रिड्यूस सिलेबस टा बोथ रेगुलर पई ना एक्सरेगुलर पिलांग पई अलग हम तो रेगुलर पिलांगर अलग हम ठीक अच्छे। तो मो पॉइंट ऑफ व्यू फास्ट हूँ प्रथम रु बहुत थर कही सारी जे देख भाई जेहेतु कौन सीएचएससी क्लीयर कट कर तो तुम 100% पढ़ जहाँ पढ़ी पुराणा सिलेबस अनुजाई पढ़ जदि तुम सिलेबस रे चेंज हो 70% कट हो सॉरी 70% रखा हो 30% कट हो ताहले बहुत भल कथा ठीक अच्छे। तुम पढ़ाटा थोड़ी वेस्ट पड़े कड़े हाँ पढ़ा तो कड़े जबार नहीं ठीक अच्छे एंट्रांस में एमती भी दरकार मुझे तो कहे रेगुलर पिला भी पुराणा पाठ देखु था एटलिस्ट तुम फ्री टाइम रे जो पर्सन गुड़ा डिलीट होती देख कौन पाई एंट्रांस तो निहाती दरकार ना एमती पास कर ठीक अच्छे। सेकेंड जिनस देख जदि मन करमी गोटे सिचुएसन आसो मानने एग्जाम कमिटी जो सीएचएससी एग्जाम बोर्ड एग्जाम कमिटी डिसाइड कला जे एक्सरेगुलर पिलांकर 100% पढ़ो तुम पढ़ी जा 70% से कौन हम सिचुएसन से कौ प्रेसरटा पड़ो मत कह थे केमी लगे से एग्जाम हल्ले तुम पढ़ी जा क्वेश्चन ही आसनी ठीक अच्छे। तुम खाली शुणीच पूर्व वर्ष पढ़ी से क्वेश्चन ही नहीं रेगुलर पिलांग कथा कहूनी रेगुलर पिलांकर भी नुह वीडियो ठीक अच्छे। तो रेगुलर पिलांग किसी टेंशन नहीं जी पढ़ुन से पड़ो कि एक्सरेगुलर पिलांग एक्स्ट्रा पलि आसा सीट कौन हम अवस्था तुम माइंड प्रेसर एत बढ़ी जो पर्सन तुम पढ़ी जाटा भी हेनी एग्जाम डबल खराब हो ना नहीं तो से चाहूनी निजे रिस्क नवाक ना कि मो स्टूडेंट रिस्क नि ठीक अच्छे। तो एमती भी अलग केमिस्ट्री जमी सपोज गोटे गोटे चैप्टर कटि जाए तो फिजिक्स सेमती कटिनी तो फिजिक्स किसी पोर्सन कटी जस्ट अल्प अल्प बहुत कम कम से गुड़ा ही मुझे एगुड़ा हूँ कौन बोथ रेगुलर एक्सरेगुलर पर किसी ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन जदि ए 20टा क्वेश्चन आस चार पाँचटा क्वेश्चन मुझे एक्सट्रा 4-5टा क्वेश्चन को पढ़ा गोटे बिग डिल नुह ना नहीं। सेकेंड जिनस मुझे ऑफिशियल तो कहीपरिनी तुम्हें या गोटे कनफ्लिक्ट करके अलग वे रे रिप्रेजेंट करनी मुझ सीएचएससी डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रह्मपुर जोन श्री कुलमणि ओझा सहित तो आज कथी फोन रे तो फोन रे कथा सी भी कहले जटा हूँ कम्प्लीटली बोर्ड डिसाइड कर जितेबाला एग्जाम से बस मीटिंग से डिसाइड हो तो सी भी कहते जदि आम 100% पढ़ी दूसरी पिलाटा किसी तो खराब नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिली बर्षे तो खराब नहीं तो आम से जिन विषय में चिंता एजाए करनु तो किंतु कहवा कथा हूँ प्रोबेबली से माने ट्राई करेंगे रेगुलर एक्सरेगुलर बोथ को पाई सिलेबस रिड्यूस कर क्वेश्चन में पकेबा किंतु से 100% ग्यारंटी देवे ना कौन पाई कमिटी जहाँ डिसाइड कर ठीक अच्छे। तो सी कहते तुम्हें पढ़ी था 100% पिला पढ़ी था जदि 70% रिड्यूस सिलेबस रु से क्वेश्चन आसला जोटा 30% कटिकी तो दैट इज बेनिफिटेड फॉर यू ओब्वियसली तो तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं जा तो कम पोर्सन रु आसला बहुत भल कथा जदि ना आटलिस्ट धोखा खाइबुन ठीक अच्छे ना एमती हो तुम पढ़ी जाइ गोटे पढ़ी थो गोटे तो से प्रेसरटा बढ़ी तो ये जिनसा मुझे बहुत थर बारंबार कहली भी मत कमेट्रे बारंबार बारंबार पचारिवार माने ही किसी ना ठीक अच्छे बारंबार बारंबार ये गोटे जिन यहाँ तो एडे बड़ कनफ्लिक्ट नुह या के टाइम वेस्ट कर तुमने टाइम वेस्ट करा दरकार ही नहीं यहाँ हूँ नवेम्बर मस मुझे क्लीयर कर दूसरी नवेम्बर मस नवेम्बर फास्ट है तुम हाथ में मैक्सीम 2 मंथ्स अच्छी तुमको कोर्स कम्प्लीट करने
आउ कौन पूरा मार्च जाए कोर्स कम्प्लीट करथुबो रिविजन केबे करियो तो मु सबु पिलांग बहुत थर कहलेनी जे डिसेंबर भितरे ट्राई करो कोर्स को कम्प्लीट करिया पई डिसेंबर लास्ट रु जनवरी 15 भितरे जहां पेंडिंग वर्क अछि ताकु कम्प्लीट करो जनवरी 15 ऑनवर्ड्स नो न्यू टॉपिक किछि पढिया दरकार नै जति पढाय छि सेति बस बहुत फ्लुएंटली रिविजन करो जनवरी 15 रु ऑनवर्ड्स पूरा एग्जाम पर्यंत एग्जाम मार्च रे हो टेंशन नै एप्रिल रे हो जेबे हो तमे डिसाइड करि रखत फेब्रुवारी एंड मार्च भितर मोर पूरा टोटल 100% मोर पकड़ थी जो कौनसी सब्जेक्ट उपर ठीक अच्छे तो से हिसाब से प्रिपेयर हो तो मैंने आटलिस्ट 2 मंथ तो तुमको रिविजन करार ही अच्छे आपको पूरा एग्जाम पर्यटन रिविजन करथो ना ताने तुमको जनवरी 15 पर किसी ना तुमको दबे कि रिविजन करते पर्यटन जी पढ़ाला जो पर्सन रहीगला छोट मोट छाड़ यार बुझे जब पढ़ला से और अच्छे बुझी कथा तो कहीं पढ़ी से तुम रिविजन टा जो भैल्युएबल गोल्डन टाइम ताकू वेस्ट कर ठीक अच्छे तो मुझे ये जिनसा भी क्लीयर करो बेस या भितर बेस कौन कौटू पढ़ सिलेबस मिलाबस एत न भाविकी रेगुला पिला जहाँ 30% पढ़ुच पढ़ मो सजेसन हूँ एक्स रेगुला पिला तुम ओल्ड सिलेबस तुम पढ़ रेगुला पिला सिलेबस जोटा रिड्यूस सिलेबस बहुत भलसे फ्लुएंटली फोकस कर जो बाकी 30% अच्छे तापर नजर रखि था आटलिस्ट नजर हटाओनि जदि बैचान्स पड़गला जमी तुम फसी न जाओ ठीक अच्छे मो सजेसन हूँ ये आकी है दैट अफ टू यू तुम कमी पढ़ो सीटा तुम उपर डिपेंड करे अलरेडी मुझ स्ट्राटेजी कौटू कमी पढ़ो कौन कर सब स्ट्राटेजी देदेगी डिटेल तो ये पढ़ा दायित्व है तुम ठीक अच्छे भलसे पढ़ ऑल दी वेरी बेस्ट।